एक गोडजिला जो कि एक पिंजरे में कैद है और वो अपना आईक्यू यूज करके आपने बाकी एनिमल साथियों को आजाद करवाता है, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो मूवी शुरू होती है 1973 से, जहां हम गोरिल्ला आइवन को देखते हैं। वो हमें अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो और उसके कुछ दोस्त इस बिग टॉप मॉल में लोगों का मनोरंजन करते हैं। उनका रिंग मास्टर एक मैक नाम का आदमी है जो इन सभी जानवरों को बहुत प्यार करता है। आइवन के दोस्तों में से कुछ बहुत खास है, जैसे कि हेनरीटा एक बेसबॉल खेलने वाली मुर्गी, फ्रैंकी एक सील, मर्फी एक फायर ट्रक चलाने वाला रैबिट, स्नीकर्स जो कि मेक की पेट डॉगी है, और स्टेला एक एलिफेंट जो आइवन की सबसे पुरानी दोस्त है। इनके अलावा एक स्ट्रीट डॉग बॉब भी है जो काफी सालों से छुप कर रोज रात उसके पिंजरे में सोने आता है और आइवन को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। मैक का एक वर्कर है रोजर, उसकी बेटी जूलिया रोज अपने पिता के साथ मॉल में आती है और अपना सारा वक्त आइवन के साथ बिताती है। एक दिन मैक की बातों से आइवन को पता चलता है कि उनके शो से इतना पैसा नहीं आ रहा जिससे मैक ये मॉल चला सके। रात को वो स्टेला को कहता है कि जल्द ही वह कुछ ऐसा करेगा जिससे शो का महत्व बढ़ जाएगा, और स्टेला भी उसका साथ देने को तैयार हो जाती है। अगले दिन आइवन बहुत जोर लगाता है, लेकिन देखता है कि अभी भी शो में बहुत कम लोग हैं। मैक का सिक्योरिटी गार्ड बॉब को पिंजरे से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन आइवन को देखकर उसकी हिम्मत नहीं होती। आगे जूलिया उसे कुछ कलर्स और एक पेपर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद आइवन को ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है। आइवन शीशे पर एक बीटल को देखता है और पेपर पर उसकी ड्राइंग बनाता है। बॉब को कुछ समझ नहीं आता कि उसने क्या बनाया है, लेकिन वो उसकी ड्राइंग स्किल देखकर इंप्रेस हो जाता है। अगले ही दिन जूलिया फिर से वहां आती है और उसे आइवन की ड्राइंग दिखाती है। वो अपने पिता को भी यह दिखाती है और बताती है कि आइवन ने एक बीटल बनाया है। आइवन ये देखकर हैरान होता है कि जूलिया उसकी ड्राइंग को समझ सकती है। काम कम होने की वजह से धीरे धीरे बाकी दुकानदार वो मॉल छोड़कर जाने लगते हैं और मैक परेशान हो जाता है। एक दिन उसे एक फोन आता है जिसे सुनकर वह बहुत एक्साइटेड होता है। स्नीकर्स को लेकर मेक कहीं जाता है। अगले सीन में बॉब को दिखाते हैं। जनहा स्नीकर्स उसे बताती है कि आज का शो कैंसिल हो चुका है क्योंकि एक नया एनिमल उनके बीच आने वाला है, लेकिन बॉब को इसे सीक्रेट रखने को कहती है ताकि बाकी एनिमल्स को परेशानी ना हो। लेकिन बाहर निकलते ही बॉब सबको बता देता है और उन्हें लगता है कि शायद शो का रेपुटेशन गिरने के कारण मैक किसी को रिप्लेस करने वाला है। आगे पता चलता है कि वो नया एनिमल एक बेबी एलिफेंट है जिसे मैक टेलर के साथ रखता है। मैक उसका नाम रूबी बताता है और उसे यकीन है कि वो इस शो में नई जान डाल देगी। आइवन रूबी से इरिटेट होने लगता है क्योंकि वह बहुत सवाल पूछती है। अगले दिन शो में मैक आइवन के परफॉर्मेंस को बीच में ही काटकर रूबी को इंट्रोड्यूस करता है और ये देखकर आइवन को बहुत दुख होता है। स्टेला और रूबी की जोड़ी से जल्दी शो एक बार फिर से चल पड़ता है और मैक रूबी का फोटो भी पोस्टर पर लगा देता है। आइवन और बॉब भी देखकर जलने लगते हैं। एक दिन जूलिया देखती है कि स्टेला के पैर में कुछ प्रॉब्लम है। मैक उसे चेक करता है और उसे दवाई देने को बोलता है। रात को रूबी की जिद करने पर स्टेला उसे अपनी स्टोरी सुनाती है कि कैसे जब वो एक छोटी बच्ची थी तो एक बड़े गड्ढे में फंस गई थी और वहां एक लड़की ने आकर उसकी मदद की थी। वो बताती हैं कि कैसे यहां से बाहर की दुनिया में सब आजाद रहते हैं और वहां पेड़ पौधे पहाड़ और झरने हैं। आइवन भी ये सुन रहा था और वो भी ऐसी लाइफ के बारे में सोचने लगता है। अगले दिन स्टेला शो पर नहीं जा पाती और मैक रूबी को अकेले ही बाहर भेजने को कहता है। रूबी डर जाती है और यह देखकर आइवन को उस पर तरस आता है। वो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उसकी तारीफ करता है और रूबी बाहर जाकर एक बेहतरीन शो करती है। रात को रूबी के रिक्वेस्ट करने पर आइवन उसे अपनी स्टोरी सुनाता है। वह बहुत छोटा था जब मैक और हेलन ने उसे अडॉप्ट किया था। उसने उनके साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया और वो उसे बच्चे की तरह रखते थे, लेकिन धीरे धीरे वह बड़ा होता गया और उसकी वजह से उनका काफी नुकसान होने लगा। मैक को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हेलन उसे परेशान होकर हमेशा के लिए उन दोनों को छोड़कर चली गई। आखिर में मैक उसे इस मॉल में ले आया और तब से वह यहीं रहता है। आइवन देखता है कि रूबी सो चुकी है और तब स्टेला उससे एक रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है कि रूबी अभी बहुत छोटी है और वो नहीं चाहती कि वो अपनी पूरी लाइफ इस पिंजरे में बिता दे। वो आइवन से उसे यहाँ से भगाने को बोलती है ताकि वो एक फ्री लाइफ जी सके। आइवन उसे प्रॉमिस करता है, लेकिन देखता है कि स्टेला मर चुकी है। मैक और बाकी सारे जानवर उसकी मौत से बहुत दुखी होते हैं। आगे आइवन देखता है कि मैक जबरदस्ती रूबी को परफॉर्म करना सिखा रहा है, लेकिन वह बहुत थकी हुई है। रोजर और जूलिया भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। यह देखकर आइवन को बहुत गुस्सा आता है और वो रूबी को वहां से निकालने की ठान लेता है। वो बॉब को बताता है कि हाईवे के उस पार जंगल है जहाँ वो फ्रीली रह सकते हैं।
वो कुछ ड्राइंग बनाता है जिसमें एक चाबी भी है। उसे यकीन है कि जूलिया उसकी ड्राइंग को समझकर उनकी मदद करेगी और वो अगली सुबह उसे वो ड्राइंग दिखाता है। इससे पहले कि जूलिया कुछ समझ पाए, मैक उस ड्राइंग को देख लेता है और उसे अपने शो के लिए एक नया आइडिया मिल जाता है। वो सब जगह एडवर्टाइज करता है कि आइवन पेंटिंग बनाने लगा है और ये सुनकर उसके शो में लोगों की भीड़ लग जाती है। शो में मेक के बहुत कहने पर भी आइवन कुछ ड्राइंग नहीं करता और वहां से चला जाता है। उसके मन में तो बस स्टेला के किए वादे को पूरा करने की चिंता है। मैक उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसे वहां बॉब दिख जाता है। वो गार्ड से उसे तुरंत बाहर निकालने को कहता है, नहीं तो उसे नौकरी से निकाल देगा। ये सुनकर आइवन एक प्लान बनाता है और खुद बॉब को गार्ड के पास भेजता है। बॉब उसे अपने पीछे लगाकर आइवन के पिंजरे तक ले आता है और गार्ड देखता है कि आइवन सो रहा है। वो लॉक खोलकर अंदर आता है और तभी आइवन उसके पीछे आ खड़ा होता है। उसे देखकर गार्ड बेहोश हो जाता है और आइवन गार्ड की चाबी की मदद से सभी जानवरों को बाहर निकाल लेता है। रूबी के पूछने पर वह बताता है कि वो सब लोग एक फ्री लाइफ जीने जा रहे हैं। स्नीकर आने से मना करती है क्योंकि वो बाहर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। वो सब लोग मेन गेट तक आते हैं जो लॉक्ड है। बॉब आइवन को उसकी ताकत की याद दिलाता है और वो एक ही पंच में वो गेट तोड़ डालता है। वो सब लोग हाईवे की ओर बढ़ते हैं और उधर गार्ड मैक को फोन पर सारी बात बताता है। हाईवे क्रॉस करते वक्त मर्फी का ट्रक फंस जाता है और आइवन उसे गाड़ी से बाल बाल बचा लेता है। यहाँ एक गाड़ी वाला आदमी उन सब जानवरों को जंगल में जाते हुए देख लेता है। जंगल में आकर वो सब बहुत खुश होते हैं और मस्ती करने लगते हैं, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि आइवन देखता है कि ये कोई जंगल नहीं बल्कि एक छोटा सा पार्क था जो चारों तरफ से शहर से घिरा हुआ है। तभी उन्हें ढूंढता हुआ मैक वहां आ जाता है और आइवन को समझाता है कि इस तरह से वो रूबी और बाकी जानवरों को खतरे में डाल रहा है। आइवन उसकी बात समझ जाता है और वो सब लोग वापस मॉल में आ जाते हैं। मैक गार्ड को निकाल देता है और रोजर से कहता है कि इस बात को सीक्रेट रखना होगा, नहीं तो लोग उनका ये शो हमेशा के लिए बंद करा देंगे। आइवन रूबी से माफी मांगता है क्योंकि वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। रूबी उससे असली जंगल के बारे में पूछती है और तब आइवन उसे अपने बचपन के बारे में बताता है। जब इंसानों ने उसे पकड़ा था उससे पहले वो अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी जंगल में रहता था और उसे कीचड़ से पेंटिंग बनाना बहुत पसंद था। उसके पिता उसे एक बहादुर गोरिल्ला बनाना चाहते थे लेकिन वो उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। उसका सारा टाइम या तो ड्राइंग करने में जाता था या फिर अपनी बहन टैग के साथ खेलने में। एक दिन जंगल में कुछ हंटर आए और उसके पिता ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन एंड में हंटर ने उसके पिता को मार डाला और उसे पकड़कर शहर ले आए जहां से मैक ने उसे अडॉप्ट कर लिया। ये सुनकर वो अब इंसानों को शैतान बोलता है लेकिन रूबी कहती है कि सारे इंसान बुरे नहीं होते क्योंकि बचपन में स्टेला को भी एक लड़की ने ही बचाया था और जूलिया भी उनका बहुत ध्यान रखती है। अगले दिन जूलिया आइवन को कुछ कलर्स देती है और उसे अपनी बनाई ड्राइंग दिखाती है। वो कहती है कि उसे पता है कि आइवन एक आर्टिस्ट है जो अपनी ड्राइंग से अपनी फीलिंग शेयर करता है। उसके जाने के बाद आइवन को अचानक एक आइडिया आता है और वो जूलिया के दे ये कलर से एक पेंटिंग बनाना शुरू करता है। अगले दिन मैक एक बार फिर शो शुरू करता है जहां एक रिपोर्टर उसे जानवरों के भागने के बारे में पूछती है। वो कहता है कि यहां सब ठीक है और उसे अपने शो की रिकॉर्डिंग करने के लिए इन्वाइट करता है। जूलिया अपने पिता की जगह लाइटिंग में हेल्प करती है। एक एक करके सभी जानवर अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और एंड में आइवन की बारी आती है। जैसे ही पर्दा हटता है वहां रिपोर्टर और सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मैक भी मुड़कर देखता है कि आइवन ने एक जंगल की पेंटिंग बनाई है। जूलिया समझ जाती है और अपने पिता को बताती है कि आइवन यहां से निकलकर जंगल में जाना चाहता है लेकिन जॉर्ज जूलिया से कहता है कि वो इसमें उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तब जूलिया उस रिपोर्टर से मदद मांगती है और देखते ही देखते ये खबर हर जगह फैल जाती है। लोग मॉल के आगे प्रोटेस्ट करते हैं कि जानवरों को आजाद किया जाए और आइवन भी समझ जाता है कि उसका प्लान कामयाब रहा है। मैक भी फाइनली गिव अप कर देता है और एनिमल्स को वहां से शिफ्ट किया जाने लगता है। सब जानवर एक दूसरे से अलविदा कहते हैं और आइवन रूबी को बताता है कि अब वो एक बेहतर लाइफ जीने वाली है। बॉब भी आइवन से आखिरी बार मिलने आता है और आइवन उसे अपना एक टॉय गिफ्ट में देता है। एड में मैक भी उससे मिलने आता है और आइवन को अपनी और उसकी एक तस्वीर दिखाता है। आइवन भी उसे अलविदा कहकर अपनी नई लाइफ की ओर आगे बढ़ जाता है। आगे वो एक कमरे में उठता है और चारों तरफ दीवारें देखकर अग्रेसिव हो जाता है। तभी एक डॉक्टर आकर उसे बताती है कि वह यहां नहीं बल्कि कहीं और रहने वाला है। वो एक शटर उठाती है और आइवन देखता है कि एक हरा भरा जंगल उसके सामने है। पता चलता है कि ये एक अटलांटा जू है जहां जानवरों को उनकी नेचुरल जगह रखने का पूरा इंतजाम है। आइवन वहां अपने ही जैसे और भी कई गोरिल्लास को देखता है और भाग के एक पेड़ पर चढ़ जाता है।
वहां दूर उसे कुछ हाथियों का झुंड दिखाई देता है और वो देखता है कि रूबी भी वहां अपने साथियों के साथ खेल रही है। आखिर उसने स्टेला को दिया, अपना वादा पूरा कर लिया और अब वो रूबी का भी ध्यान रख सकता है। तो दोस्तों, ये मूवी असल में आइवन नाम के रियल गोरिल्ला पर बेस्ड है, जिसे पेंटिंग करने का बहुत शौक था। उसने भी अपनी लाइफ के कई साल ऐसे ही बंद पिंजरों में गुजारे, लेकिन आखिर में वह अपनी सही जगह पहुंच गया। इसी के साथ में ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।